बंगाल में मालदा कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पोस्टर से प्रहार किया है। अनिर्बान गांगुली ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें ममता बनर्जी को दीदी अमीन बताया गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी इस तरह की पोस्टरबाजी करके मणिपुर से देश का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, यानी आरोप प्रत्यारोप। और जो पोस्टर जारी किया गया है ये आप देखिए, इसमें ममता बनर्जी को दर्शाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दीदी अमीन लिखा गया है इस पर। अनिर्बान गांगुली ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और निशाना साधा गया है। अस्सी दिनों के बाद भी मणिपुर में गम है, गुस्सा है, गुहार है, अब शांति बहाली का इंतजार है। वायरल वीडियो के बाद फिर से राज्य में हलचल है। चुराचांदपुर में कल फिर से प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, गोलियां चली, सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लगातार शांति की अपील कर रहे हैं तो विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। वायरल वीडियो मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनमें एक नाबालिग भी है। 10 की तलाश अभी हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दोषियों को सजाए मौत की मांग की है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने रखकर। नहीं बुझ रही मणिपुर की आग, खारी के बाद चुराचांदपुर में हिंसा, सेना ने संभाला सुरक्षा का मोर्चा। 4 मई के शर्मनाक घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद से 30 लाख की आबादी वाला छोटा सा सूबा मणिपुर एक बार फिर सुलग उठा है। विरोध प्रदर्शनों के बीच रह रहकर हिंसा हो रही है। कल सुबह इम्फाल के करीब घारी इलाके में हिंसा हुई, जिसके बाद यहां सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके बाद शाम होते होते चुराचांदपुर के तोरबुंग इलाके में हिंसा भड़क गई। 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलाई गई। चुराचंद्रपुर में भी हालात खराब है। आज तक की टीम इस वक्त मणिपुर में हालात पर नजर रखे हुए है। चुराचंद्रपुर की सरहद पर कुकी महिलाएं तैनात हैं, जो मैतई समुदाय के लोगों को इस जिले में नहीं जाने दे रही हैं। महिलाएं बकायदा सरहद पर गाड़ियों की तलाशी लेती हैं। चुराचांदपुर में प्रवेश करते ही आप ये देख पा रहे हैं, ये तमाम वॉलंटियर्स हैं, ये महिलाएं हैं जो कुकी समाज की हैं, और यहाँ पर इन्होंने ही बैरिकेड बना दिया है। आप समझिए कि आगे पीछे से मैतई समाज का कोई भी शख्स, महिला हो, पुरुष हो, कामकाजी हो, वो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ तक कि उनके समाज से अगर कोई पुलिस वाला भी है वो भी यहाँ नहीं आ सकता। दरअसल यहाँ सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए है कि जो हिंसा है, गोलीबारी है, उसमें खुद को बचाना, परिवार को बचाना, और खासकर उस हिंसा के बाद जो प्रभावित लोग हैं वो जो रिलीफ कैंपों में चले गए हैं। आप देखिए गाड़ी आ रही है मेरे पीछे, आप देख पा रहे हैं, किसी भी ऐसी गाड़ी को अगर वो मैतई समाज का है उसे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और हर गाड़ी की तलाशी यहाँ पुलिस नहीं बल्कि उनके समाज की महिलाएं ले रही हैं, हाथों में डंडे भी हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी है। ये एक देश के, एक राज्य के, लगभग एक ही जिले की ये तस्वीर है। सैकड़ों लोग अब तक राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिनमें महिलाओं की तादाद ज्यादा है। इस बीच सेना ने कई इलाकों में मोर्चा संभाल रखा है। कई जगह सेना ने बैरिकेडिंग की है और अस्थायी बंकर बनाए जा रहे हैं। मणिपुर में जगह जगह हिंसा के निशान दिख रहे हैं। गाड़ियों को जला दिया गया है, घरों को फूंक दिया गया है, दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। यहाँ आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ हिंसा के निशान हैं, पूरी आगजनी है, लेकिन कई जगहों पर जब गोलियां आती हैं तब वो क्या तस्वीरें छोड़ जाती है। देखिए हम हिंसा के उन इलाकों में आगे की ओर जा रहे हैं और ये देखिए बहुत हैवी मशीन गन जो इस्तेमाल की जाती हैं, ये उन सब के निशाने देखिए।